हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए होम टिप्स लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, किचन से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है और हर घर में ये प्रॉब्लम्स हर कोई फेस कर रहा होता है। तो मैं बहुत छोटी छोटी सी होम टिप्स लाई हूँ जिससे थोड़ा बहुत हद तक हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट मसला जो होता है, बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं जो कि थैलियों में हम शॉपरों में रख रहे होते हैं, कुछ दवाइयाँ कुछ शॉपर में, कुछ दवाइयाँ कुछ शॉपर में, जो घर में है जो पेशेंट्स होते हैं उनकी भी दवाइयाँ इसी तरह थोड़ी थोड़ी शॉपरों में हमें ढूंढनी पड़ती हैं। तो आप एक बॉक्स बना लीजिए, टोकरी टाइप का, या एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिए जिसमें सारी दवाइयों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए। साथ ही कोई नेल कटर वगैरह या कोई काम की चीज़ जो जो कि मतलब पेशेंट को ज़रूरत हो वो आप रख दीजिए इसमें और एक बॉक्स बना दीजिए। ज़ाहिर है जब भी पेशेंट को ज़रूरत हो, घर के बुज़ुर्ग को बड़े को दवाइयों की, फ़ौरन से वो दवाइयों को कैरी कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पे सेकंड टिप ये है, घर में सुई धागे होते हैं, सुइयाँ होती हैं, धागे होते हैं, प्लास्टिक होती है, हर जगह वो बिखरी हुई होती है, कोई धागा में कहीं मिल रहा होता है, कोई धागा कहीं। तो क्रीम जो होती है हमारी, फेस क्रीम, बॉडी लोशन या हैंड क्रीम, उसकी जो बॉक्स होता है, जार होता है, बोतल होती है, वो खाली हो जाती है तो अमूमन हम उसे फेंक देते हैं। तो आप उसको धोकर साफ़ कर कर आप उसमें सारे धागे, सारी पिन, सेफ्टी पिन, प्लास्टिक और जो सिलाई मशीन में जो चीज़ें लगती हैं वो सब इस बॉक्स में डाल दीजिए और वो फिर इसको रख दीजिए एक जगह। तो जब आपको कोई ज़रूरत होगी तो आप ये बॉक्स निकालेंगे और जो भी आपको धागा चाहिए, सुई चाहिए, सेफ्टी पिन चाहिए, सिलाई मशीन की कोई चीज़ चाहिए, वो आप इसमें से फौरी तौर पर ले सकते हैं। ये एक हद तक काफ़ी चीज़ ऑर्गेनाइज हो जाती है तो काफ़ी सहूलत होती है इससे, क्योंकि ये चीज़ें एंड टाइम पर ही चाहिए होती हैं, कभी बटन टूट जाता है कभी कुछ। अच्छा, ये देख सकते हैं आप घर की ग्रॉसरी जो किचन की होती है, सर्फ का, बर्तन धोने का साबुन, मुंह धोने का साबुन, ये सब चीज़ें इस तरह हम अगर ड्रॉ में रख देते हैं या कैबिनेट में रख देते हैं तो वो बिखरी भी होती हैं कहीं कहीं भी। तो आप इसको एक बास्केट में रख सकते हैं, एक बाल्टी में रख सकते हैं और वो बाल्टी आप किचन में रख दें कैबिनेट में एक साइड पे ना। यहाँ पे मैंने सारे सर्फ साबुन जिसे बर्तन धोते हैं, मुँह धोते हैं, बर्तन का मांजने का जूना, इस तरह मैंने एक टोकरी में करके नीचे कैबिनेट में रख दिया। अब जो भी मुझे चीज़ चाहिए होती है मैं फौरन तौर पर उसी वक्त किचन से ले लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हम बाथरूम धोने के लिए सर्फ़ यूज़ करते हैं, हर घर में सर्फ़ यूज़ होता है जब हम बाथरूम धोते हैं। तो थैली रखने के बजाय आप एक छोटी सी बोतल ले लें, उसमें सर्फ़ भरें और वो ये छोटी सी बोतल जो है वो किचन में रख दें। इससे ये होगा कि नीट एंड क्लीन होगा, ऑर्गेनाइज होगी चीज़, और ये बोतल आपने ये लेना है डब्बा और फौरन से आपने रिफ़िल कर देना है और वॉशरूम में रख देना है। अच्छा जी, ये सबसे मेन चीज़ है डस्ट पैन जो है अमूमन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, सफाई कुछ भी कचरा वगैरह इससे उठाते हैं हम, बहुत ज़्यादा डस्ट जो चिपक जाती है, तो इसको भी नीट एंड क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस फॉर्म से या जिस कपड़े से इसे नीट एंड क्लीन धोएँ, साफ़ करें, उसको कोशिश करें बाकी चीज़ किसी चीज़ में यूज़ ना करें। जैसे मैं तो बस वॉशरूम वगैरह धोने के लिए या इसको डस्ट पैन में धोने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हम हरी मिर्चें वगैरह लेकर आते हैं, हरा धनिया लेकर आते हैं, तो अलग अलग काट के रख देते हैं जिससे फ्रिज में हमारी जगह भी घिर जाती है और थोड़ा सा मैस भी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक टोकरी बना लीजिए छोटी सी जिसमें आपने एक साइड पे हरी मिर्चें रख देनी है साफ़ करके। अच्छा, आप ये देख सकते हैं मैं हरी मिर्चों की डंडी निकाल के रख रही हूँ, इससे ये कि हरी मिर्चों की लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, अगर ये दो दिन चलेगी तो फिर ये चार दिन चलेगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसको हरी मिर्चों को अच्छी तरीके से डंठल निकाल के एक साइड पर रख दिया है, हरा धनिया को काट के पेपर में इस तरह फोल्ड करके एक साइड में टोकरी में रख दिया है। बाकी जो हरे लवाजमात होती हैं लाइक लहसुन, कड़ी पत्ता, शिमला मिर्च, कटी हुई प्याज या कुछ भी है आपके पास, ये साइड टोकरी में आप इसमें इस तरह रखते रहें। इस तरह एक हद तक फ्रिज में एक चीज़ ऑर्गेनाइज है, अगर आपको कुछ भी इसमें से चीज़ चाहिए आपने यही टोकरी निकाली और किचन में यूज़ कर ली। अच्छा जी, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप,
जो हमारी हरी मिर्चें ख़राब हो जाती हैं, सूख जाती हैं, रेड हो जाती हैं, हम उसको अमूमन फेंक देते हैं। तो आप इसको जो हमारी ख़राब हो गई हैं तो उसको डिस्कार्ड कर दें, और जो रेड हो जाती हैं, रेड या मुरझा जाती हैं, मध्यम सी हो जाती हैं, उसको अलग करते रहें, और 3 से 4 दिन में एक खुली बर्तन में रख दीजिए। धूप है तो आप उसमें रख दीजिए, वरना धूप नहीं है, फ्लैट है या मतलब पोषण की तरीके से बंद है, तो आप उसको एक बॉल में करके, प्लेट में इस तरह करके रख दीजिए। 3 से 4 दिन बाद ये जब सूख जाए देन आप इसे चॉपर कर लें। तो ये हमारी बहुत अच्छी सी रेड चिली फ्लेक्स जो है वो रेडी हो जाएगी। ज़ाहिर है रेड चिली फ्लेक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप ये आराम से घर में बना सकते हैं हरी मिर्चों की मदद से। जब हरी मिर्चें सूख जाएँ देन आप इसको रेडी कर लीजिए। अच्छा जी, चम्मच हर घर में बहुत सारे होते हैं, उसको चम्मच स्टैंड पे भी यूज़ कर लें फिर भी वो भर जाते हैं, तो आप इसको एक छोटे से कलरफुल बॉल में बाकी के चम्मच भी इस तरह सेट करके ड्रॉ में या कैबिनेट में रख सकते हैं। अच्छा जी, एंड टिप ये है, एक छोटी सी किचन के लिए आप मेजर मशीन ले लीजिए, जिसके लिए आपने कुछ भी ड्राई फ्रूट्स हुए, कुछ भी मेजर करने में इजीली हो, बादाम, पिस्ते, जो भी आपने मेजर करना है तो बहुत यूज़।